नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के बैतूल में दशहरा पर्व पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन, नगर भ्रमण कर रैली निकाली। पवित्र नगरी मुलताई आज दशहरा पर्व पर जहां पूरा नगर भक्ति भाव से सराबोर है, वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुलताई इकाई के द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार नगर में पथ संचलन किया गया है। रैली में भारत संघ की ड्रेस कोड काली टोपी, सफेद शर्ट, खाकी फुल पैंट के साथ 10 वर्ष की आयु से लेकर 85 वर्ष की आयु तक के बुजुर्ग, बच्चे, युवा साथी भारत माता की जय घोष के साथ संघ के गीत गुनगुनाते हुए हर्ष उल्लास के साथ आपसी भाईचारा, अमन चैन, शांति का संदेश देते हुए चल रहे थे। वहीं सिविल लाइन स्थित बैडमिंटन हॉल से शुरुआत होकर नगर भ्रमण के बाद उसी हॉल में समापन कार्यक्रम हुआ, जहां भारत माता की देशभक्ति, देश हित, हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हुए देश सेवा के नारे लगाए। वहीं प्रमुख वक्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इंडिया न्यूज की टीम ने दौरा कर जानकारी जुटाई। वहीं वयोवृद्ध कार्यकर्ता एन लाल जैन ने बात कर संघ और विजयादशमी के सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि आज के दिन ही रावण वध कर भगवान रामचंद्र विजय पाकर अयोध्या लौटे थे, उसी खुशी में दशहरा पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर एन लाल जैन विहिते महाराज, राजा पवार, सोबित भार्गव, रोशन साबले, नरेंद्र गिरी, आशीष चंद्र शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता उपस्थित। मुलताई से संतोष डोंगर दिए की रिपोर्ट। जो ये दशहरा पर्व पर आरएसएस की तरफ से पथ संचलन निकाला गया है जी, और इस संबंध में आप हमको थोड़ी सी बताइए कि क्या है ये मामला। विजयादशमी का उत्सव, संघ की स्थापना विजयादशमी के दिन हुई जी। विजयादशमी का पर्व भगवान राम के रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद वो विजय जो है वो विजयदशमी के रूप में मनाई जाती है। इसीलिए जगह जगह रामायण रावण का पुतला जलाया जाता है और राम की